ये मेरी बेटी है, मेरी बेटी है, और बोल रही है कि अश्विन भाई स्माइल। हाँ, क्या हो गया आज अचानक दोनों बहनों में टेंशन लग रही है? पता नहीं क्या हो गया दी को, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। अचानक से कुछ भी बोली जा रही है कि प्रियल मेरी बेटी है, मैं उसकी माँ हूँ, और प्रियल बोर्डिंग स्कूल जा रही है। नहीं जाना ना बोर्डिंग स्कूल? नहीं। हाँ मम्मा, कौन है आपकी? विद्या। हाँ तो बस ये बात तो प्रियल को भी पता है, तो पता नहीं दी को क्या हो गया, अचानक से बोल रही है कि प्रियल को बोर्डिंग स्कूल भेज रहे हैं। ऐसे कैसे भेज सकती है, वो तो बोलने दो, उससे कोई बात नहीं। लेकिन हमें लग रहा है कि थोड़ा टेंशन बढ़ जाएगी, विद्या में भी कहीं ना कहीं टेंशन दिख रही है थोड़ी बहुत, और मीरा की तरफ से है ही टेंशन। हाँ टेंशन तो है, वो अचानक से कुछ भी बोल रही है तो, बट कोई बात नहीं, हम प्रियल को कहीं नहीं जाने देंगे, है ना। आखिरी सवाल, कहीं कहीं ये तो नहीं कि जो मीरा जिम्मेदार समझती हैं आपको, कि उनके बच्चे की मौत के जिम्मेदार आप थे, कहीं इसी वजह से तो कहीं ये नहीं हो रहा कि विद्या की बच्चे कहीं छीन लेना चाहती है, ऐसा कुछ? हो सकता है, इस बारे में सोचना पड़ेगा, हो सकता है। वैसे ही वो काफ़ी सालों से कुछ हो गया, उसे थोड़ी मुझे लगता है दिमाग से थोड़ी प्रॉब्लम हो गई उसे कुछ। अभी ठीक है, मैं मानती हूँ बच्चा नहीं रहा उसका, बट मेरी वजह से कैसे? तो अभी मेरे बच्चे के पीछे पड़ी हुई, मेरी प्रियल के पीछे, ऐसा नहीं होगा, प्रियल दूर नहीं होगी हमसे ना। प्रियल किसके साथ रहोगे? मीरा के साथ, विद्या के साथ? किसके साथ रहोगे आप? किसके साथ रहोगे आप बताओ? विद्या। क्या होता है? विद्या मम्मी। हाँ थैंक यू वेरी मच।